टू माई चैनल फूडी श्वेता। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैगलेट। आप सोच रहे हो ये मैगलेट क्या है? आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा, मैगी से मैंने भेल बनाया था, उसी तरह मैं जो हूँ आज आप सबको मैगलेट बना के दिखाने वाली हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के बारे में आपको पता चलते रहेगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी मैगलेट बनाने के लिए हमें कौन कौन सा चीजों की जरूरत पड़ेगी। कि आपको मेरे वीडियो के नाम से ही कुछ पता चल गया होगा कि मैं मैगी और अंडे के साथ कुछ करने वाली हूँ, तो मैं जो हूँ आपको दिखाने वाली हूँ कि ये हमारा मैगलेट जो है वो कैसे बनेगा। हमें चाहिए होगा एक मैगी, दो अंडे, एक चॉप किया हुआ मिर्ची, एक चॉप किया हुआ ऑनियन, एक चॉप किया हुआ टमाटो। जितना हम मैगी बनाने में पानी लेते हैं उतना पानी हमें नहीं लेना है, हमें थोड़ा कम पानी लेना है, क्योंकि हम जो है इसे लिक्विडी नहीं बनाने वाले हैं, ऐसे बॉईल करेंगे कि मैगी में पानी जो है वो पूरा एब्जॉर्ब कर ले। हमारा पानी जो है वो बिल्कुल भी बॉईल हो गया है। अब जो है हम इसमें अपना मैगी डालेंगे। वैसे हम अपने मैगी को जो है अच्छी तरीके से इसे इसमें पका लेना है, फुल बॉईल करना है। जब तक हमारी मैगी बॉईल हो रही है तब तक हम अपने ऑमलेट का प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब जो हमारा चॉप किया हुआ टमाटो वो मैं मिक्स कर दूंगी इसमें, चॉप किया हुआ ऑनियन में मिक्स करने वाली हूँ, चॉप किया हुआ मिर्ची में मिक्स कर रही हूँ। हाफ टेबल स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को ऐड कर सकते हैं। और हाफ टेबल स्पून मैं मिर्ची ऐड कर रही हूँ, आप ज्यादा मिर्ची पसंद नहीं करते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं हाफ टेबल स्पून जो जीरा पाउडर डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने अपना मैगी मसाला इसमें ऐड कर लिया है और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। गाइज आप देख सकते हैं कि मेरे मैगी में जो है वाटर बिल्कुल भी नहीं है, तो अब मैं जो हूँ अपना गैस जो हूँ वो बंद कर लूंगी और मेरा मैगी भी अच्छी तरीके से पक गया है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप की आगे बढ़ेंगे। गाइज यहाँ पे मैंने जो है 2 से 2.5 टेबल स्पून जो है मैंने ऑयल डाला है। अब जो हमारा ऑयल है वो भी गर्म हो गया है, का बैटर है वो यहाँ पे डालने वाले हैं। फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे टमाटो लिया है, अगर आप शिमला मिर्च भी ले रहे हैं तो फ्लेम जो है हल्का मीडियम पे ही आप पकाएं। वो जो मैगी हमने पहले रेडी किया था, अब हमें इसे जो है पूरे ऑमलेट के ऊपर जो है इसे इस तरह से स्प्रेड कर देना है। इसलिए मैंने इस डिश का नाम जो है मैगलेट रखा था, क्योंकि मैगी प्लस ऑमलेट से मैंने इसे बनाया है। मैं जो इसमें टेस्ट के लिए ऑरिगैनो डालने वाली हूँ, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैं यूज करूंगी। मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून जो है वो बटर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास चीज है तो आप चीज भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास अभी चीज नहीं है इसलिए मैंने जो है यहाँ बटर का यूज किया है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो हूँ टमाटो केचप यूज कर रही हूँ, अगर आपको टमाटो केचप पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हमारा मैगलेट जो है वो कितना डिलीशियस लग रहा है। सो गाइज हमें जो है नेक्स्ट स्टेप जो इस तरह से फोल्ड कर ले, हमें जो है नेक्स्ट स्टेप जो इस तरह से फोल्ड कर लेना। सो गाइज आप देख सकते हैं हमारा मैगलेट जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व है। सो गाइज आप भी जो है मैगी कम ऑमलेट को जो है अपने घर पे ट्राई कीजिए, और अब मेरा स्टाइल का ये मैगलेट कैसा लगे प्लीज गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।